और स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। और आज सारे हॉस्टल के लड़के यहीं पे हैं, तो हम फटाफट से नहा धो लेते हैं। अभी उठे हैं, फटाफट से नहा के सबका आज इंट्रोडक्शन लेते हैं। मैंने सबको बोला भाई आज तुम्हारा इंट्रोडक्शन लेने वाला हूँ मैं, लेकिन ये नहीं बताऊंगा कि किस टाइम लिया है, तो एकदम से इनके कमरों में घुस जाएंगे। वैसे तो मेरे को जहां तक लगता है हमारा एक सरकारी कमरा, वहीं पे बैठे हुए होंगे सारे, तो चलो वहां चलते हैं। पहले मैं नहा के आता हूँ, उसके बाद फिर इन सबका इंट्रोडक्शन लेंगे आज। देखें भाई कितना MBO फाड़ रहे हैं। तो भाई आ गए हम नहा धो के, चलो चलते हैं। शायद से ये लोग अपने सरकारी कमरे में ही होंगे हमारे, इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं और देखते हैं भाई ये क्या उखाड़ रहे हैं MBA में, क्या सीख लिया उन्होंने ऐसा। चलो चलते हैं, तुम लोगों को लेके चलता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये देख रहे हो भाई, इस कमरे से आवाज आ रही है। ये तो हेलो तो बोल दो यार। हेलो, हमारे सीनियर साहब हैं। चलो चलते हमारे सरकारी कमरे में। क्यों क्या बोल रहे तुम, गलत बता भाई। ये देखो भाई, एज एक्सपेक्टेड सरकारी कमरे में जिम बॉय। चलो भाई आज हम इन सब का इंट्रोडक्शन लेंगे, बैठ जाते हैं इसके बिस्तर में आराम से और सेटअप तैयार करो भाई। चलो भाई इस चेयर पे बैठा के हम इंट्रोडक्शन लेंगे। पहले जतिन का इंट्रोडक्शन लेते हैं भाई। जतिन आ जा भाई हॉट सीट पे। चलो भाई जतिन का इंट्रोडक्शन पहले बैठो भाई जतिन। हाँ भाई नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है जतिन। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, उत्तराखंड से बिलोंग करता है और मैं एक प्रोफेशनल सिंगर हूँ और डांसर। भाई दूसरा इंट्रोडक्शन मयंक का, मयंक बैठो भाई साहब। जिम बॉय देखा। इसकी बात छिपकली से ही पड़ती है तो इंट्रोडक्शन है। अच्छा ये भी बोल रहे क्या ब्लॉग में, बता दे। बताओ मयंक अपने बारे में बताओ। ये है गाइस, हेलो भाई। ये दोगला है ये लोयल है। बताओ मयंक अपने बारे में बताओ भाई। सभी को नमस्कार, मेरा नाम मयंक है और मैं कैथल से इसका दोस्त हूँ। कैथल निवासी हूँ। अबे वोट मांगने थोड़ी जाना है भाई, अपना जिंदगी के धक्के खाने यहाँ पे आ गए हैं। हम दोनों ब्राह्मण भाई है और वो भी ब्राह्मण ही है जो पीछे बैठे हैं। और ये साथ हेलो गाइस, हेलो गाइस करते रहते हैं। हेलो गाइस, हेलो गाइस, धन्यवाद। बस चलो भाई तीसरा इंटरव्यू। सचिन ब्रो का पर ये ब्लॉग तू डिपार्टमेंट में दिखाएगा भाई। हाँ भाई भाई थप्पड़ बहुत भयंकर लगेंगे। बीच चौराहे पर नंगा करके पिटता शिवानी कपूर पायजामा। चल सचिन ब्रो पहले बोलना बाद में। पहले भाई शादी मुबारक तुझे। से हाय थैंक यू। कैसा लगा पहले 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 अपनी फीलिंग बता, शादी के बाद कैसा लग रहा है भाई? समथिंग गुड। और यहाँ पे भाई तेरे हॉस्टल में अकेले रह के कैसा लग रहा है शादी के बाद? ये सबसे बुरा टाइम है मेरे लिए, अभी मेरे को चाहिए कि मैं अपने घर जाऊँ। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना, प्यास बुझाऊ है। छुट्टी मिल रही है, एक छुट्टी मिल रही है संडे। मेरी मोदी साहब से दरख्वास्त है। चल भाई इंट्रोडक्शन बता दे भाई अपना इंट्रोडक्शन। सचिन है और मैं अच्छा MBA क्या करना है भाई तू? MBA तो बस कोई दिखा नहीं हो स्कोप, तो MBA सोच लिया कर लेते हैं। बहू को दिखाना है ऐसे वैसे MBA के बहाने मेरी शादी हो गई शायद, नहीं तो ना ही हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। ये था भाई रीजन। चलो भाई साहिल का इंटरव्यू लेते हैं। पट्टी साहिल उर्फ पट्टी। मैं और पट्टी इकट्ठे देंगे ठीक है। आ जाओ भाई इकट्ठा ले दो भाई। तो भाई हमारे दो शिकारी साथ में इंटरव्यू देंगे। चलो भाई भाई मेरा नाम अजय है। चलो भाई यहाँ दो इंट्रोडक्शन। भाई मेरा नाम अजय है, मैं MBA कर रहा हूँ और मेरे 1K के फॉलोअर्स हैं। जो प्रोफेशन में मॉडल हूँ। मॉडल हूँ, कहाँ की मॉडल है भाई तू? मैं वोक के लिए शूट कर रहा हूँ। किसके लिए? वोक के लिए इंडिया। अच्छा
साहिल भाई ये ना डिपार्टमेंट में लोग देंगे, तेरी नियत पे शक करेंगे भाई। ये ब्लॉग में ही डालना था क्या? तूने बोला नहीं था ऐसा आज फिर। चल भाई बता दे साहिल। Currently I am a PNB employee and pursuing my MBA from Kurukshetra. Both English. ज्यादा होगी भाई आज के लिए ज्यादा होगी। बस हाँ भाई हो गया। हाँ जी हाँ जी बोलते हैं। बहुत सह चुकी, मैंने बर्दाश्त की हद हो गई। हो गया साहिल तेरा इंटरव्यू हो गया? हमारा हो गया, वो लोग इंटरव्यू ले तो फिर हमारा काट दियो। चलो भाई अरुण की बारी, अरुण आ जाओ भाई हॉट सीट पे। ये श्रेष्ठा जी। हाँ भाई इंटरव्यू दे दो साहब। भाई मेरा नाम अरुण है। सभी भाइयों को सोनीपत से हम। अबे बीच से नहीं जाते भाई, ऐसे कौन करता भाई। चल भाई। हाँ भाई मेरा नाम अरुण है, हम सोनीपत से हैं और यहाँ आ रहे हैं भाई एमबीए करने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, और कुछ नहीं मिला तो सोचा एमबीए कर ले। 68 देसी हैं। जमा 68 देसी हैं भाई। अच्छा ऊपर द चार्ट। यस सिस्टम। विवेक भाई आप ऐसे क्यों लेटे हैं भाई, इतना परेशान हो गए? कौन सी समस्या से जूझ रहे हैं आप? डॉक्टर साहब मुझे बवासीर है पर ऑपरेशन से डरता हूँ। बवासीर एक आम समस्या है, इसके लिए विवेक तेरे को सही में समस्या है तो इंट्रोडक्शन देगा। इंट्रोडक्शन दे दे वरना तेरी एक समस्या तो घोषित करके रहूंगा इस वीडियो में। आ जा फटाफट हॉट सीट पे आ जा। हॉट सीट ब्रदर, हॉट सीट इजी है। कॉमिक फिर मैं कुछ मीम डालूंगा फिर ये बोलेगा तूने ऐसा कर दिया। फटाफट आ जा हॉट सीट पे आ जा। चल भाई विवेक इंट्रो दे दे भाई। ओके गाइस माय नेम इज विवेक, आई एम बेसिकली फ्रॉम रेवाड़ी हरियाणा। करंटली आई एम परसुइंग एमबीए फ्रॉम केयूके एंड के बारे में बता दे प्लेसमेंट ना लगी। आई डिड बीटेक इन कोरोना, नॉट इन कोरोना, कोरोना बैच पास। आई डिडंट गेट एनी प्लेसमेंट ऑफर। आई गेट प्लेसमेंट ऑफ 30,000 मेरे पास आपको नहीं थे मेरे। अब तो कोई बात ही नहीं हुई, अब तो लॉजिक भी नहीं होगा बात में। लॉजिक है ही नहीं, लॉजिक होगी। पता नीचे कौन आया, कौन आया नीचे? शकल दिखाओ इसकी। हाँ दिखाओ। अब तो बात होगी नहीं क्योंकि नीचे आ गया। अब तो बात होगी नहीं, नीचे आ गया तो अब तो बंद भी कराएगा। ये स्पेशल तैयार हो गया है एक वीडियो बनाने के लिए। ये तो सब बहाने हैं। ओहो विश्वास न होएगा लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, या दुनिया में सबसे ज्यादा शरीफ इंसान मैं ही हूँ। भाई अजय की वीडियो देखी? कौन सी? सोने वाली। अरे इसका करियर सोया पड़ा है। सारा ही सोया पड़ा है तो। भाई विवेक की वीडियो देखी? अनप्लेस्ड। देखी विवेक की वीडियो? देखी भाई नाचने वाली। कॉन्ट्रैक्ट प्रीमियम नचनी मिली है। क्या
ओ भाई सचिन की वीडियो देखी थी? अबे 30 साल में अंकल की शादी हो ही गई भाई। बच्चा अभी भी नहीं हुआ। डंडी जोर नहीं मार रही। भाई मैं की वीडियो देखी थी दरवाजा तोड़ते हुए? दरवाजा ही तोड़ रहा है और तो कुछ टूटता नहीं। और क्या ही तोड़ना भाई, क्या ही तोड़ सकता है। तो भाई हमने आज इंट्रोडक्शन लिया है सभी लॉन्डो का, जितने भी निकम्मे लॉन्डे थे मेरे साथ के, सबका इंट्रोडक्शन हमने ले लिया है। तो उनका इंट्रोडक्शन लेना भी जरूरी था क्योंकि तुम लोगों को पता चलना चाहिए भाई कि यही क्रिएचर तुम्हें आगे वीडियो में दिखने वाले हैं। यही क्रिएचर है सारे निकम्मे जो तुम्हें आगे वीडियो में दिखेंगे, इनकी हरकतें तुम्हें दिखेंगी और तुमने इनकी हरकत देख ही ली होंगी। कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ ड्रामे करते ही रहते हैं, ठीक है। एक से एक बड़े नमूने हैं, तो इनकी हरकतें तुमने देख ली होगी। आगे और वीडियोज में भी तुम्हें यही क्रिएचर देखने को मिलेंगे। तो बस ये इंट्रोडक्शन इसलिए करवाना जरूरी था, तो मैंने सोचा कि इन सबका इंट्रोडक्शन करवाया जाए। अगली वीडियो में हॉस्टल टूर करूंगा कि यहाँ के हॉस्टल मतलब कैसा है, जिस हॉस्टल में रहता हूँ कैसा है, मेरा रूम कैसा है, या जितने मेरे रूममेट्स हैं उनका रूम कैसा है, ठीक है, मेस वगैरह जो भी मतलब हॉस्टल का टूर करेंगे, ठीक है। उसके आगे और वीडियोज आती रहेंगी इन्हीं क्रिएचर्स के साथ, इन्हीं लॉन्डो के साथ आती रहेंगी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना जरूर, सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर करना, और जैसे जैसे मैं मतलब वीडियो डाल रहा हूँ जो भी इम्प्रूवमेंट की चीज होगी प्लीज आप लोग मेरे को सजेशंस देते रहिए ताकि मैं इम्प्रूव कर पाऊँ आगे, और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।